मैं राजलक्ष्मी लगातार .in से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं फिलहाल मौजूद हूँ शहर के सबसे बड़े पार्क जुबली पार्क में, जो कि 16 महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर से खुल चुका है। हालांकि राज्य सरकार के पहली लहर के निर्देश के बाद भी यह पार्क नहीं खुला था, और दूसरी लहर के बाद भी जब राज्य सरकार ने निर्देश दिया था सभी पार्कों को खोलने का, तो शहर के सभी पार्कों के खुल जाने के बाद भी जुबली पार्क को नहीं खोला गया था, जिस पर मॉर्निंग वॉकर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। और उनके कई प्रयासों के बाद जिला प्रशासन और टाटा स्टील के द्वारा एक बार फिर से जुबली पार्क को खोल दिया गया है। इस पार्क के खुलते साथ ही तकरीबन सैकड़ों की संख्या में, जैसे कि हमें पता चला है कि 500 से भी अधिक की संख्या में आज मॉर्निंग वॉकर्स आ चुके हैं, और कल 500 से कम की संख्या में आए थे। और आपको बताते चले कि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो पार्क खुलने के साथ जो बड़े बदलाव किए गए हैं वह यह है कि पार्क को पूरी तरह से CCTV कैमरे से लैस कर दिया गया है, यानी कि अब मॉर्निंग वॉकर CCTV कैमरे की निगरानी में रहेंगे। और इससे भी बड़ा जो बदलाव किया गया है वह यह है कि अब परिचय कार्ड के साथ, यानी कि अपना ID प्रूफ के साथ ही मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए उनका नाम और नंबर दिखाकर ही, सिर्फ कैमरे में नाम और नंबर दिखाकर ही प्रवेश दिया जा रहा है, परंतु आने वाले समय में यह व्यवस्था भी खत्म हो सकती है और ID कार्ड को पूरी तरह से अनिवार्य किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस पर मॉर्निंग वॉकर्स की प्रतिक्रिया कि आखिर ID कार्ड के इस नए सिस्टम पर उनका क्या कहना है। डेली आधार कार्ड दिखाना ये तो कोई माने नहीं रखता। एक बार आ गया, पिक्चर में आ गया है, इसमें दिखाया जा रहा है, फेस आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया। अब डेली एक ही आदमी का, हमको लगते हैं कि 1000 आदमी है तो डेली 1000 आदमी का कर रहे हैं, महीना में कितना हो गया, 30000 आदमी हो गया। ID दिखाना एकदम जायज नहीं है। हमें लगता है कि पार्क जैसे पूर्व की भांति आम नागरिकों को सुविधा दिया गया था, चूँकि अब झारखंड सरकार जो बिहार सरकार के द्वारा या जो लीज पे जो ज़मीन दिया गया था टाटा कंपनी को, यही बोल के दिया गया था कि यहाँ के जो नागरिक है उनको सुविधा दिया जाएगा। और सुविधा से अभी चूँकि क्या है कि देखा जा रहा है कोरोना का काल में, कोरोना के कारण लोगों को वंचित किया जा रहा है। इस जो सुविधा जो बराबर मिल रहा था, जो कंटिन्यू मिल रहा था, इससे लोगों को वंचित किया जा रहा। तो हमें लग रहा है कि आधार और वोटर कार्ड वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर लोग नौकरी करने जाते हैं, जहाँ पर नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, वहाँ आधार और वोटर कार्ड का जरूरत होना चाहिए। आई कार्ड कोई लेके नहीं आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम बोल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सही, अच्छा ही है। इससे पहले पार्क आते थे बिना ID कार्ड के, आराम से घुस जाते थे। अच्छा ना, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था कि बेटर होगा। ओके, सही है सिस्टम, एक टाइप से सही है कि जो जो आ रहा है उसका रिकॉर्ड रहेगा इनके पास, और आपका रूल्स भी फॉलो होते रहेगा, रूल्स भी फॉलो होते रहेगा। ओके, थैंक यू। बेटर है, उसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। मान लो कोई उल्लंघन करेगा तो उसका ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आधार कार्ड ऐसा पैन कार्ड ID के थ्रू में आदमी लोग को समझाया जा रहा है, बहुत आदमी को जानकारी नहीं है, नहीं ला रहे हैं, उनको मोबाइल नंबर और नाम के साथ एंट्री दिया जा रहा है। हो सकता है कि आगे व्यवस्था बंद हो जाएगा। डेली आदमी आने जाने कर रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते भीड़ अधिक हो रही है, और करीबन कल 500 आदमी आए थे, आज 500 से अधिक आदमी आए हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।